आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, स्वागत है आपका। और तूफानी तेजी मार्केट में जारी है, बने रहें और पोजीशन बढ़ाएं। बिल्कुल, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अप ट्रेंड पॉसिबल। इसमें अगर डिप मिलती है ऑन द वे तो यू आर लकी, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन डिप्स मिल नहीं रही है, प्रॉब्लम वो है। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो डिप्स का इंतजार करते हैं, मिस हो गया, आप और बढ़ गया, आप क्या करो। मैंने बोला जितना लेना है ले लो, नीचे आया तो ऐड करना, नहीं आता तो छोड़ देना, लेकिन एंटर तो कीजिए। लेकिन लोग डिप का इंतजार करते हैं, वो आना नहीं है शायद, अब तक तो नहीं आना है। और जब आएगा तो उसमें भी फिर इनका दिल नहीं होगा लेने के लिए, और आएगा डिप, सोचेंगे और आएगा डिप। फिलहाल ट्रेंड इज इंटैक्ट अप और मोमेंटम है, बस वी हैव टू राइड इट अंटिल इलेक्शंस में, बजट और उसके बाद इलेक्शन। ओके, बैक टू बैक बड़े इवेंट लाइंड अप हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो अगर आप जैसे गाबा जी कह रहे हैं ना कि ले लो, गिरे तो और ले लेना। अनुज भी कह रहे हैं कि गैप अप प्ले करना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए अगर आपको बहुत डर लग रहा है। तो ये है बाज़ार की तस्वीर जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सवाल अपने लेके आए हैं, उनको जवाब चाहिए। पहला सवाल मुंबई से अनिल मनोहर का। अनिल जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। ये मेरे पास सोलार इंडस्ट्रीज के कुछ 25 शेयर्स है, मैंने 7088 के भाव से खरीदे थे, हाई भाव पे खरीदे थे। और एंजल ब्रोकिंग के मेरे पास 2500 पे मेरे पास 250 शेयर है, तो ये दो शेयर पे प्लीज मुझको जरा आपकी राय बताएं। ओके गाबा सर, सोलार इंडस्ट्रीज तो काफी ऊपर पे इन्होंने लिया है, लगभग 7100 रुपए में, और अभी चल रहा है 6000 का भाव, क्या करना चाहिए अनिल जी को? सोलार इंडस्ट्रीज वेल ट्रेड कर रहा है 6000 के आसपास। जब इन्होंने लिया है तब वो ब्लो आउट हुआ था करीब 8500 में, अब उसके बाद लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं और ये सेलिंग पॉसिबली कंटिन्यू हो सकती है। लोअर लेवल करीब 5200 वहां तक भी संभावना है स्लाइड होने की। मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस है शॉर्ट टर्म में, प्रॉफिट बुकिंग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा वीकनेस नहीं है, मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे आ सकता है। यहां से फिर कब अपन शुरू होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले ये वीकनेस थोड़ी कम हो, उसके बाद उसमें इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना, उसमें वक्त लग सकता है। तो आई थिंक सो फार पेन बाकी है सोलर इंडस्ट्रीज। तो क्या करें, होल्ड करें? ये होल्ड करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। 5500 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, फिर एक अपू हो सकता है, थोड़ा पेन रहेगा तो होल्डिंग पीरियड थोड़ा हाई रहेगा। ओके, होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। और इनका दूसरा सवाल था एंजल ब्रोकिंग का, जो इन्होंने 2500 के भाव पे लिया है। दूसरा कौन सा बताया आपने? एंजल वन वेल क्वाइट थोड़ा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि बहुत बढ़िया मूव लिया, फ्रॉम 1800 टू 3200 डबल हो गया, अब 2918 पर ट्रेड है, थोड़ा और पेन बाकी है। लोअर लेवल शायद 2600 के भी देख सकते हैं, तो मुझे लगता है पेन बाकी, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। यहाँ पर भी पेन रुकेगा, होल्ड करना पड़ेगा, 2600 के आसपास शायद एक सपोर्ट की गुंजाइश है, वहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। फिलहाल इट्स अ होल्ड, अगर आपके प्रॉफिट मिल रहा है तो आई वुड टेक द मनी ऑफ। अगर प्रॉफिट तो खैर इनको मिल ही रहा है सर, 400 रुपए का, हाँ तो फिर तो मेरे ख्याल से मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर देता, नीचे आता तो री एंटर करता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक है मार्केट में, बहुत बहुत विकल्प है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं तुषार बिन्नानी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तुषार जी नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रकाश सर जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास बोरोसिल रिन्यूएबल्स के 250 शेयर्स हैं 412 के रेट पे, और IRB इंफ्रा के 2600 पे 1000 शेयर्स हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रोकना चाहता हूँ सर। दोनों में? जी सर। ओके गावा सर, तुषार जी का पहला सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे। ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है, जो बाउंस मिला है 400-420 के आसपास से, इसे लगता है एक फ्रेश अपमूव शुरू हो सकता है यहाँ पर। बोरोसिल रिन्यूएबल ट्रेड कर रहा है 448 पर, मेरे ख्याल से एक इनके पास है तो होल्ड करना चाहिए, इनको अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं ऐड किया उनको लेना है फ्रेश तो फ्रेश बाइंग हो सकती है। 400 का स्टॉक लगाइए, कहां तक जा सकता है टारगेट? मेरे हिसाब से 550 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इट्स अ लॉन्ग प्ले, ऐड ले लीजिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, स्लोली स्योरली ऊपर जाएगा बोरोसिल रिन्यूएबल, तो लेने की जगह तो अच्छी है। सेटअप के हिसाब से
अपमो मिलना है तो ये अच्छी जगह है अपमो मिलने के लिए, बोरोसिल रिन्यूएबल। अच्छा, इसमें ले सकते हैं आप तुषार, अगर और खरीदना तो भी खरीद सकते हैं, या इसमें बने रहिए, 400 पे स्टॉप लॉस होगा आपका, 550 तक ये जा सकता है। तुषार ने दूसरा सवाल पूछा आईआरबी इंफ्रा पे, 26 रुपये पे ले रखा है इन्होंने। लगता तो है कि काफी बढ़ चुका है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा माइनर डिप मिल सकता है, 36-34-35 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपमूव शुरू हो सकता है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, इसलिए होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी, अपमूव मिलना चाहिए, डिप्स पॉसिबल है लेकिन नथिंग टू वरी, ये कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन है यहाँ पे, चिंता की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है जितेंद्र बाफना का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीनमल राजस्थान से। जितेंद्र जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर बताइए सवाल अपना। आई बोला भाई फाइनेंस का है, 500 शेयर है, 172 के भाव से। ओके, कब सर? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 172। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हाँ आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग में देखता हूँ मैं, चार्ट निकल जाता तो इंडिया बुल हाउसिंग ना मिल जाएगा मुझे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड सर मैं बताता हूँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आई बुल हाउसिंग है, सॉरी इसका नाम आई बुल हाउसिंग है। हाँ सॉरी सॉरी, आई बुल हाउसिंग फाइनेंस मिल गया। वेल मेरे ख्याल से आई बुल हाउसिंग बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन इस वीकनेस में लगता है स्ट्रेंथ है छुपी हुई, कंसोलिडेशन भी चल रहा है, बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 197 पर, थोड़ा इसे वक्त देना पड़ेगा, इनको देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, और जब भी अपमूव मिलेगा, और मुझे लगता है अपमूव मिलेगा भी, तब जाके एक अच्छा अपमूव मिलेगा। ऑन द वे अप 300 में थोड़ा रेसिस्टेंस आएगा, 300 के आसपास, तो एक तो होल्ड है, मिलती है तो ऐड करने का मौका रहेगा, और लॉन्ग प्ले है, वक्त लगेगा, लेकिन 300 पे थोड़ा रुकेगा, उसके बाद 300 पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी आई बुल हाउसिंग, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है स्टॉक। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है इंडिया बुल्स हाउसिंग अगर आप रखते हैं तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं कार्तिक का, बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिक जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताइए सर क्या हालचाल है। मेरा पास बढ़िया सर, सर मेरा पास टाटा कम्युनिकेशन का 26 शेयर है, 1326 रुपए का भाव से। हाँ। तो मैं इसका ये 2 या 3 साल का लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, तो इसको मैं ले सकता हूँ, और मैं सर करंट मार्केट प्राइस में एचडीएफसी बैंक को ले सकता हूँ क्या? देखो आपने एचडीएफसी बैंक का सवाल ऐसे व्यक्ति से पूछा है जो आईपीओ से होल्ड कर रहा है, तो उनका जवाब तो पक्के तौर पे मैं प्रियम कर सकता हूँ, लेकिन वही बताएंगे पहले। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन गवा सर, टाटा कम्युनिकेशन कार्तिक 2-3 साल 4 साल के लिए रखना चाहते हैं, 1630 का नहीं ये वो दिखाइए पहले, टाटा कम्युनिकेशन 1668 का भाव चल रहा है और इन्होंने 1326 पे लिया है अभी। अच्छा ख्याल है, 3-4 साल होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे ही हमको चाहिए निवेशक जो कि होल्ड कर सके लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया स्टॉक 1669 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे थोड़ा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, 1500 भी आ जाए तो घबराइएगा, 1550 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन 3-4 साल आप होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा, इनफैक्ट इसमें डिप मिलते तो ऐड कीजिएगा टाटा कम्युनिकेशन, ये तो बढ़िया है। रही बात एचडीएफसी बैंक में, मैं इसका कुछ बता ही नहीं सकता, मैं सेल तो दे ही नहीं सकता, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में मैं सेल दे देता हूँ जब होता है, लेकिन स्टॉक बढ़िया है एचडीएफसी बैंक, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, ये मेरा दिवाली का स्टॉक है, जो दिवाली पिक पर लीप ऑफ फेथ करके मैंने बोला था ले लीजिए एचडीएफसी बैंक, क्योंकि 1460 जो लो है ना रिसेंट लो, एक ब्यूटीफुल लवली लो है टेक्निकली, वो ब्रीच नहीं हो, वो ब्रीच होगा तो सब कुछ कैंसिल, लेकिन नहीं हो, ये न्यू हाई पर जाएगा एचडीएफसी बैंक, लेना है तो अब भी ले लीजिए होल्ड के लिए, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। एक महीने का चार्ट दिखाइए इसका जरा, एक महीने में 9% ऊपर है एचडीएफसी बैंक, और इसी पिछले एक महीने में हमारे ख्याल में दिवाली भी आई थी और गावा सर ने दिवाली पिक दिया था, तो कार्तिक जी करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, ऑल टाइम हाउ पार कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट, गारंटी नहीं है लेकिन पार कर लेगा। गावा जी की गारंटी दे दीजिए ना सर। नहीं, मैंने बोला गारंटी नहीं। अच्छा गावा सर गारंटी नहीं दे रहे, वैसे मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बैंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट, और तो वर्ल्ड लेवल की लीग में शामिल हो रहा है, तो अगर आप करंट लेवल पे लेना चाहते हैं कार्तिक जी तो ले सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और अगली दिवाली तक तो गावा जी वैसे ही बहुत बुलिश हैं इसमें, तो आप इस पर करंट बाई भी कर सकते हैं। अगला सवाल है अनिल झा का, गुवाहाटी असम से। अनिल जी नमस्कार सर, बताइए।
जी नमस्कार सर। सर मेरा आईएक्स का शेयर 840 है 170 के एवरेज प्राइस पे। क्या करते हैं सर आप वहाँ गुवाहाटी में? जी सर सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है। अरे वाह, सरकारी नौकरी। तो निवेश करते हैं कि ट्रेडर हैं? जी निवेश करते हैं सर। पक्का? आप थोड़ा सोच के बोले। नहीं ट्रेडिंग कोई बुराई थोड़ी है, ट्रेडिंग आप गैर कानूनी काम थोड़ी है। नहीं नहीं ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा ऐसे इन्वेस्टमेंट है सर कुछ। ओके तो आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गावा। सर आईईएक्स में अनिल जी ने निवेश किया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ऐसा है कि 300 के आसपास चला गया, उसके जो गिरावट आई है करीब देखा है हमने करीब 125 भी चला। अब यहाँ से जो मुंह मिलता है लगता है अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया क्योंकि इस वीकनेस में वीकनेस आ गई। अब इसको बदलना है स्ट्रेंथ में, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ भी आ रही है। 144 पे ट्रेड कर रहा है, इनको ये होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 200 तक फिर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से अब इसमें गिरावट खत्म हुई, अपमूव शुरू हुआ है। इस अपमूव में एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, उसको अपना काम करने दो, आप सिर्फ होल्ड करो। 200 तक मुझे टारगेट नजर आते हैं और एक बार 200 चला गया फिर तो फ्रेश लुक लीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, फोन करके फिर बात कीजिए हमसे। आज इनका एक बिजनेस अपडेट भी आया है कि नवंबर महीने में कारोबार कैसा रहा, तो 17.5% की ग्रोथ इन्होंने ट्रेडिंग में अपनी दिखाई है, ट्रेड वॉल्यूम में। तो ये एक मैं भी रिसेंटली मैंने एक फंड मैनेजर से भी बात की थी, वो भी बहुत बुलिश थे इसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि एक खबर आई थी कि प्राइसिंग पावर जाएगी ये वो, लेकिन उसके बावजूद उनका भरोसा इस पर बना हुआ है। तो एक बार इसलिए बॉटम बना लिया, बहुत लो लेवल देख लिए, तो होल्ड करिए अनिल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें गावा सर सवाल है, इससे पहले एक दो स्टॉक जो बहुत आज फ्लेवर में उनमें जानकारी चाहिए। एक तो मुझे बताइए सर, ये ब्लू स्टार 1021 रुपये पर, और इन्होंने एक QIP किया था, मेरे ख्याल में 775 के प्राइस के आसपास किया था, और QIP के दिन ही 8% चला, उसके बाद से ये रुका नहीं है स्टॉक, क्या लगता है आपको? ब्लू स्टार इस वाकई में ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार ब्लू स्काई में चला गया क्या? हाँ ब्लू स्काई ट्रेड में 1020 पे ट्रेड किया, 1000 पार कर लिया, दिल से पार किया। मेरे ख्याल से इसमें स्काई इज द लिमिट, आई एम नॉट ब्लू स्काई टेरिटरी पे, तो व्हाई पुट अ सीलिंग ऑन इट, जहां चाहता है जाने दिए। अब लॉजिकल टेक्निकल टारगेट लगता है 1360 के, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगे, लेकिन 1360 पॉसिबल है। ट्रेड कर रहा है 1020, मतलब 30% फ्रॉम अप मूव फ्रॉम हियर अब भी पॉसिबल है ब्लू स्टार। 1360 तक जा सकता है। और जेके बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक 116.50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है इस समय, इसमें क्या लगता है सर? कश्मीर बैंक का यस 1316 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें लगता है टर्न अराउंड आ गया। अब देखिए आर्टिकल 370 निकल गया तो इसमें भी टर्न अराउंड हो गया, 30 रुपए से 116, ब्यूटीफुल है मेरे ख्याल से। क्या सर आर्टिकल 370 निकल गया मतलब? अच्छा अच्छा ओके 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 वहाँ वाला गुड। तो इसके भी सारे बंधन टूट चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो वेल मैनेज बैंक हो गया, हम कितना कह सकते हैं। पहले जो अपनी मनमानी चलती थी वो मनमानी बंद हो गई। यस इसमें भी मूवमेंट बहुत बढ़िया। देखिए 200% चल चुका है 2 साल में, 2 साल तो आप बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, आप साल भर या 6 महीने दिखाओ, क्या बेहतरीन रैली इस स्टॉक में बनी है। देखिए 12 महीने में 127% की तेजी है, डबल से ज्यादा हो चुका है। 150-160 भी चला जाएगा वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन अपमू ऑन है, बहुत सेकंड ब्रेकआउट मिला है 100 जोन, अपमू तो है इसमें बस। अब भी जिसको लेना है ले सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सेफ है, और जाइए भी जम्मू एंड कश्मीर में एकदम सेफ है। बहुत बढ़िया है सर, जरूर जाइए, घूमने जाना चाहिए लोगों को जरूर। उमंग गुप्ता जी दिल्ली से जुड़ रहा है मेरे साथ, तो उमंग जी बताइए सर कैसी उमंग है जीवन में? बस बढ़िया एकदम, सब बढ़िया, सब उमंगे बढ़िया चल रही है। घर पे हो लग रहा है ऐसा? हाँ घर पर ही है सर। अरे काम धंधे जाओ सर, आज मंगलवार का दिन है, क्या कर रहे हो घर पे आप? बिजनेस है हमारा सर। अरे बिजनेस का घर से ही चलता है? है जी बिजनेस घर से ही चलाते हैं क्या? हाँ घर से ही चलाते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अरे वाह क्या बात, बताइए सर। हाँ सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखा है 1453 रुपए पे, 100 शेयर्स में रखा, तो मुझे होल्ड करना है या उसको सेल करके निकल जाए? ये बहुत पहले लिया होगा आपने ना? हाँ काफी पहले करे हुआ है। वो एक दौर था जब ये आईपीओ आया था, मैं कह 235 टाइप का कुछ आईपीओ आया था, बहुत जबरदस्त रैली बनी इसमें, चलते 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 1500-1600 तक गया था, और उसी बीच में उमंग जी ने 1453 पे खरीद लिया इसको। गवा सर हैप्पीएस्ट माइंड 1453 पे लिया उमंग जी ने, अभी चल रहा 840।
पेन पे लेकिन जो ऐसी गिरावट आई है, एक लो देखा हमने रिसेंटली 700 के आसपास हैप्पीएस्ट माइंड, फिर एक बाउंस मिला 1000 की तरफ गया, फिर एक लो देखा हमने, लेकिन ये जो लगता है ये हायर लो लग रहा है इसमें, जो उसकी चाल में लगता है कि ये नीचे जो रिसेंट लो है 750-700 के करीब का वो नहीं टूटेगा, इसका मतलब यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। तो आप पेशेंस रखिए और होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से इस पर फिर वापस चलाएगा 1000, वहां पर फिर स्ट्रगल होगा, और जब 1000 पार कर लेगा यू कैन से साई ऑफ रिलीफ ऊपर जाएगा, लेकिन लेने की जगह अच्छी है, मतलब रिस्क है लेकिन रिस्क किसमें नहीं है, तो आप होल्ड कीजिए, एक किसी के पास नहीं है। उमंग जी, इसको आपने हमको लगता ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या, और फिर अब इन्वेस्टर बन गए? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग के लिए लिया था, उस समय ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट डाउन हुआ तो मैंने उससे इन्वेस्टिंग, वही ना कि पहले तो लिया था ट्रेडिंग के लिए, अब बन गए इन्वेस्टर, तो अब चूंकि इतना पेन आपने झेल लिया है तो अब इसको फिर रखिए सर, अब जब आईटी पलटेगा ना तो फिर ये हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह में तेजी आएगी, अब इतना देख लिया इतना बुरा समय, तो अब बेच के कोई फायदा नहीं, कि जब चलना शुरू होगा तो आप उस समय बेचें, होल्ड करिए इसको। गबा सर एक स्टॉक और दर्शक के पास जाने से पहले, BHEL, ये भी बहुत क्या कौन सी स्काई ब्लू स्काई टाइप में पहुंच चुका है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू स्काई ट्रेडिंग में BHEL बढ़िया स्टॉक है, इनफैक्ट ब्लू स्काई ट्रेडिंग 352 वीक है, मुझे लगता है रीसेंट जाएगा 200 के आसपास, वहां पर थोड़ा रुकेगा, रुकना चाहिए मेरे ख्याल, रुकेगा तो अच्छा है, फिर अगर डिप मिलता है तो और अच्छा, फिर 150 तक आ जाए, फिर जो मूव मिलेगा वो 350 तक ले जाएगा, अब तो ट्रेड करा है 177 पर, अगर आप अगर डिप का आपको डर नहीं है आप एड कर लीजिए, है तो होल्ड कीजिए, देखिएगा 300 रुपया लगेगा, 1-1.5 साल लग सकता है, लेकिन 300 का मूव पॉसिबल है, सेफ स्टॉक है BHEL, अब तो आत्मनिर्भर भारत में भी तो इसका फायदा होने वाला ही है, बहुत जबरदस्त सर, कैपिटल गुड्स में तो बहुत बड़ी तेजी है, वन ऑफ द स्टॉक है उसका ये, वो 10-12 साल इसने अंडर परफॉर्म किया, 10-12 साल लोगों ने एकदम होप छोड़ दी थी, लेकिन अब चल रहा है। खैर अगला सवाल है सर पीयूष जैन का, इंदौर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, पीयूष जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार साहब, मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल के 1500 शेयर एवरेज प्राइस 1080 पे ले रखे हैं मैंने, उसको क्या करना चाहिए, आगे होल्ड करना चाहिए या इसका बाउंस बैक आएगा वापस प्राइस का? गावा सर बजाज इलेक्ट्रिकल इन्होंने भी काफी ऊपर लिया 1080 पर, क्या करें? घबराना नहीं चाहिए, उसका रीजन ये है कि बेसिकली अप मूव है, उसके बाद कंसोलिडेशन है करीब 1.5-2 साल, इन्होंने अभी ये रेंज में चल रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल 950,000 और ऊपर 1200 के आसपास रेंज है, इन्होंने अपर एंड ऑफ द रेंज पे लिया और कुछ नहीं, अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज पे लेते तो खुश होते, तो इनकी जगह गलत थी खरीदने की, लेकिन ये वीक स्टॉक नहीं है तो आप होल्ड कीजिए, अगर आपको डर लगता है तो इंतजार कीजिए, कॉस्ट के आसपास बेच दीजिएगा, और जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, 1200 पार नहीं करता दिल से ऑन वीकली टाइम बेसिस पर, फिर जो मूव मिलेगा वो हायर जोन देखेंगे, तो फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अगर डर लगता है तो कॉस्ट के आसपास बेच दीजिएगा, लेकिन साइडवेज मूव पे है करीब मोर देन 2 ईयर्स, तो फिलहाल होल्ड है, फिलहाल ये होल्ड है। गावा सर ये बताइए कि ओरियन प्रो नाम की कंपनी है, 2000 रुपए का उसका प्राइस है, ओरियन प्रो, नंबर बताऊं क्या मैं? हाँ जी प्लीज, 532668 लैंको इंफ्रा कहते हैं उसको, पता नहीं लैंको इंफ्रा है, दो मेरी गलती हो गई, 532668 हाँ मेरी गलती, ओरियन प्रो करेक्ट करेक्ट, 2000 पे चल रहा है इस समय करीब, 5 गुना हुआ एक साल में, एक साल का चार्ट दिखाइए इसका जरा, 250 से 2000 हाँ, फिर कंसोलिडेशन हुआ 1800, फिर जो ब्रेकआउट मिला ले गया 2000 तक, क्या करता है मुझे पता नहीं, फंडामेंटल मुझे नॉलेज नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन 1800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, अगर किसी को खरीदना है खरीद लीजिए और जाते हैं ऊपर जाने दीजिए, लेकिन निकलना रेडी रखिएगा 1800 के नीचे अगर तोड़ता है तो, जब तक 1800 के ऊपर है अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट, अब तक तो ठीक लग रहा है, स्ट्रेच है, फंडामेंटल रीजन देकर जरूर एड कर लीजिएगा, टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेच है, टेक्निकली स्ट्रेच है इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा। रोहित अग्रवाल सवाल क्या पूछ रहे भाई, टाटा कंज्यूमर पर सवाल है इनका, 948 पर विल इट गो 1000? यस इट विल गो, डोंट वरी, बहुत अच्छा बेस बनाया 675-825 में, कंसोलिडेशन का रिकॉर्ड मिलेगा, ये 1000 रुकेगा नहीं, इतना बता दूं, 1000 तो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, 1000 पार कर ले, जितना कंसोलिडेशन हुआ है उसके हिसाब से 1000 पार करना चाहिए, उससे रुकेगा नहीं,
जितना है कि आपको रुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा रुकेंगे उतना आपका ज्यादा फायदा है। होल्ड। ओके गावा सर, आरती इंडस्ट्रीज में नीरज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 530 पर लिया है 100 शेयर, क्या वो जानना चाहते हैं क्या इसका बॉटम बन चुका है और अगर ले रखा है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं? यस सर, मैं कंफर्म करता हूँ कि बॉटम बन चुका है, टेक्निकल बॉटम बन चुका है, जो मेरे पैरामीटर्स में होते हैं। 450 में एक बॉटम था, उसके बाद एक ब्रेकआउट चाहिए था, कंफर्मेशन वो भी मिल चुका। अब इसको आपको होल्ड करना चाहिए, जगह अच्छी है होल्ड करने की। आपको कहाँ बेचना है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कहाँ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस करीब 600-620 के आसपास है, वहां जब जाएगा थोड़ा रुकेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेचना है। अगर ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, जो रिसेंट आया तुमने 1000 के आसपास भी देखा है, फिर ये 1000 की तरफ जाएगा, लेकिन लगता है कि आपको कितना होल्ड करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बेचते रहिए, अगर आप ट्रेडर नहीं है तो होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है, ये आपका सवाल है, क्लियर कट मुझे लगता है ऑन माय पैरामीटर्स बॉटम आउट हो चुका, अब इस पे निवेश होना चाहिए और स्टे इन्वेस्टेड आरती इंडस्ट्रीज। अच्छा गिरिराज सिंह का सवाल है, टीवीएस मोटर्स का इन्होंने 1920 रुपए की कॉल 40 रुपए में खरीदी है, एक लॉट दिसंबर एक्सपायरी की। 1920 रुपए की कॉल है तो ठीक, जब तक 1900 बरकरार है तब तक होल्ड कीजिए, 1950 भी जा सकता है। 1950 जाएगा तो आपने कॉल भी सही लिया है, और मेरे ख्याल से दो दिन से साइडवेज मूवमेंट, इसमें फिर एक अपू जब मिलेगा ना, शायद मिलना चाहिए, वो ले जाएगा आपको प्रॉफिट जोन पर। तो फिलहाल होल्ड है, यस टीवीएस मोटर फिलहाल होल्ड है। ये अली कॉल 40 पे लिया था, 42 पर 10 पे चल रही, थोड़ा सा इनको फायदा हो रहा है यहाँ पे। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे देखिए बड़ा गेम शो खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।